मैं हूँ शिल्पी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफ स्टाइल पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बर्तनों से स्टिकर को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं, चाहे वो बर्तन स्टील का हो, कांच का हो, प्लास्टिक का हो या फिर प्लास्टिक के डब्बे हो, आप उन सबसे बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं स्टिकर को। और इसके लिए आपको बर्तन को गर्म करने की, भाप देने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस ट्रिक से आप 2 मिनट में साफ कर सकते। तो यहाँ पर लिया है मैंने कुछ बर्तन जिसमें लगे हुए हैं स्टिकर, जैसे कि ये थाली लिया है मैंने, थाली के एकदम ठीक बीच में स्टिकर लगा हुआ है, और ये ग्लास, इस पे भी स्टिकर लगा हुआ है। और ये टिफिन के ढक्कन है, इस पे भी प्लास्टिक के हैं और इस पे भी स्टिकर लगे हुए हैं। ये मैंने एक बाउल लिया है, जग लिया है, इन सब पर स्टिकर लगा हुआ है। मेरे पास कोई कांच का बर्तन नहीं था जिस पे स्टिकर हो, लेकिन अगर आपके पास कोई कांच का बर्तन, डब्बा या कुछ भी हो, तो आप उससे भी ले ले और उसे भी ठीक इसी तरह से स्टिकर उसका भी हटा सकते हैं आप। तो बर्तनों से स्टिकर को निकालने के लिए हमें चाहिए थीनर और कॉटन। बस इन दो चीजों की सहायता से हम बर्तनों के स्टिकर को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है टिफिन का ढक्कन, इस पे भी स्टिकर है। तो सबसे पहले हम कॉटन पे नेल रिमूवर की कुछ बूंदे लेंगे और कॉटन से थोड़ा सा रगड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं स्टिकर कितनी आसानी से निकल गया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टील का बाउल है, इस पे भी स्टिकर लगा हुआ है जो आसानी से नहीं निकलता है। तो ठीक इसी तरह से मैं इसे साफ करूंगी और इससे कोई स्क्रैच भी नहीं आता है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गया स्टिकर। अभी मैंने एक थाली लिया है और इस पर भी स्टिकर है, इसे भी मैं ठीक उसी तरह से साफ करूंगी। और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके साफ होइए, इससे आपको कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा। और देखिए थाली का भी स्टिकर कितनी आसानी से निकल गया है। और यहाँ पर लिया है मैंने एक स्टील का जग, इस पर भी स्टिकर लगा हुआ है, तो मैं इसे भी ठीक उसी तरह से क्लीन करूंगी। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गया बर्तन के स्टिकर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे बर्तन के स्टिकर को निकाल लिया है और इस पर कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ा है, और थिनर बर्तन को नुकसान भी नहीं करता है। तो आप इस तरह से आसानी से बर्तनों के स्टिकर को निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।